अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से क्या मुराद है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक तरीक़ाकार है, एक मैकेनिज्म है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का। यानी आपने कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, आपने कुछ सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो आपने किसको फॉलो करना है जी? SDLC को फॉलो करना है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते जाएंगे, आप अगले स्टेप पे फॉरवर्ड होते जाएंगे, इसी तरह नेक्स्ट आगे आप जाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं, डिवेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आगे स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो सिस्टम को डिवेल्प करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और पहला स्टेप का दूसरे से तल्लक, दूसरे से, ठीक है, ऐसे तरतीब से चलेगा। तो हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में जी। पहला स्टेप है जी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इब्तदाई तफ्तीश, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास देखिए बेटा दो तरह का, एक सिस्टम होता है करंट जो चल रहा है, एक होता है परपोस जो चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि इसमें कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जी। पहला जी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रीलिमिनरी प्लान। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्या करेंगे आप इस स्टेप में। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये जी पहला स्टेप है जी, ठीक है, इस सिस्टम का, यानी सिस्टम को डेवलप करने का, SDLC का पहला स्टेप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये क्या है जी, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, हमने जो चीज़ बनानी है, हमने जो चीज़ बनानी है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी शिनाख्त करनी है, ठीक है, कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, यानी हमारे पास कि नया सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो आपका सिस्टम होगा पूरा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो चीज़ आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर देंगे वैसा ही सिस्टम बनाया जाएगा। इसके बाद ही अगला स्टेप होता है सिस्टम स्कोप, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्या वो आपके लिए पॉसिबल है, यानी जो चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, कि वो आपके लिए पॉसिबल है, यानी आपके पास इतना फाइनेंस है, क्या वो चीज़ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारी मार्केट में, ये चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होती हैं। स्कोप जो होता है वो सिस्टम को, ठीक है, अपडेट करता है, यानी सिस्टम को आप बढ़ा भी सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको देखते हुए, अगर इस पर डिपेंड करेगा सिस्टम आपका, ठीक है। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब हमने ये भी देखना है कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसका मुतबादल भी ढूंढ के रखना है। अगर किसी वजह से आपका एक सलूशन हल ना हो, यानी काम ना करे, उसकी जगह पे दूसरा इस्तेमाल हो जाए, अल्टरनेटिव सलूशन। फिजिबिलिटी स्टडी, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप मुकम्मल तौर पे जो करंट सिस्टम है वो पढ़ेंगे, साथ में जो नया सिस्टम है वो भी देखेंगे। इसमें मुकम्मल तौर पे तफसील से देखा जाएगा हमारा नया सिस्टम कैसा होगा, क्या वो हमारे लिए फिजिबल है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं सारी। इसमें बजट वगैरह देखा जाता है हर चीज़ का, ठीक है। और चारों स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमने ये सारा कुछ एक पेपर पे लिख लेना है, उस पेपर को आपने क्या कहना है, प्रीलिमिनरी प्लान कहना है। वो प्लान फिर आपने अपनी मैनेजमेंट से अप्रूव करवाना है, क्योंकि उनकी मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। यानी जो जो चीज़ें आपने ऊपर की हैं, सिस्टम को आइडेंटिफाई किया है, उसका स्कोप चेक किया है, और उसके सॉल्यूशन देखे हैं कौन कौन से हैं, और मुकम्मल तौर पे डिटेल से हमने पढ़ा है कि हमारा सिस्टम पहला कैसा था, नया कैसा होना चाहिए, वो पूरा एक पेपर पे लिख लेना, वो प्रीलिमिनरी प्लान कहलाता है, ठीक है। उस स्टेप को हम नाम क्या देंगे, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इब्तदाई तफ्तीश कहा जाता है इसको, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलेंगे जी सिस्टम एनालिसिस। हम क्या करेंगे, सिस्टम को एनालाइज करेंगे, ठीक है, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, पहले नंबर पे नीड एनालिसिस, देखेंगे हमारी ज़रूरियात क्या हैं, उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हम डाटा को इकट्ठा करेंगे, गैदर, क्या मतलब इसका, इकट्ठा करना,
अब इकट्ठा करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप क्या करेंगे, आप यूज़र के इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपको हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन रीज करेंगे उसके, और सैम्पलिंग। मतलब क्या हुआ कि आपने जिसने इस्तेमाल करना है या जो पहले सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उनसे मुकम्मल डिटेल में, ठीक है, एक पर्चा देखना है, यानी उनसे पूछना है, यानी उनको काम करते हुए देखना है, वो कहलाएगा ऑब्जर्वेशन। एक होता है क्वेश्चन रीज, आप उनको एक सवालनामा बना के देंगे, वो उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। एक होता है इंटरव्यू, आप उनसे इंटरव्यू करेंगे, सवालात पूछेंगे, वो जवाब देंगे, ठीक है। यानी इस तरह आपने डाटा इकट्ठा करना है, उसके बाद डाटा एनालिसिस, फिर आपने क्या करना है, उसको तजिया, उसको सेपरेशन करनी है, उसमें कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करना है, फिर जो आपने ऊपर काम किया उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है, वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी, एनालिसिस रिपोर्ट कहलाएगी, और वो भी हम मैनेजर को दिखाएंगे, ठीक है जी। यानी जो भी हमने यहाँ पे तजिया किया, मतलब जो जो हमने डाटा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, वो अपनी मैनेजमेंट को पेश करेंगे, दिखाएंगे, वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस रिपोर्ट कहलाएगा। इसके बाद ही आता है सिस्टम डिज़ाइन करना। अब डिज़ाइन में जी दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा लॉजिकल, दूसरा आएगा फिजिकल। दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास, ये दोनों को हमने डिज़ाइन करना है डिज़ाइन फेज में। इसके अंदर लॉजिकल और फिजिकल दोनों आ जाएंगे। क्या करेगा जी कि सिस्टम विल मीट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन, जो चीज़ हमने यहाँ पे बताई है उसके मुताबिक हमने क्या बनाना है, लॉजिकल और फिजिकल मॉडल बनाना है। लॉजिकल और फिजिकल मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है, जो हम डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो सिस्टम डिज़ाइन कहलाएगा, ठीक है जी। ये हमने किसकी बेस पे बनाना है, सिस्टम एनालिसिस की बेस पे बनाना है, ठीक है। जो स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म किए उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपना लॉजिकल और फिजिकल मॉडल डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास तीसरा स्टेप होता है, सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जी हमने प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर होता है या टीम होती है, वो डिपेंड करता है सिस्टम पे। अगर हमारे पास कोई बड़ा सिस्टम है फिर हम टीम को हायर करेंगे, अगर हमारे पास कोई छोटा सिस्टम है फिर हम एक पर्सन भी हायर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कोडिंग पे, यानी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि कौन इसमें इस्तेमाल हो, मतलब कितना मुश्किल है। वो कहता है जी राइटिंग प्रोग्राम फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए हमने प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद सिंगल प्रोग्राम या टीम, मतलब एक भी हो सकता है, टीम भी हो सकती है। रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एफर्ट बजट, तीन चीज़ें उसने बताई हैं जी, आपको टाइम चाहिए बहुत सारा, एफर्ट चाहिए, बजट, क्योंकि मेन चीज़ पूरे सिस्टम की ये है, आपको इस पर टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगी, और साथ में आपका बजट भी लगेगा, ठीक है जी। ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोडिंग से मुराद उस जो जो चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं उनको किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, तब्दील कर लेना, यानी कोई हाई लेवल लैंग्वेज में उसको लिख लेना, वो अमल क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा, या फिर उसे क्या कहेंगे, सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहा जाएगा। और उस पर हमें काफ़ी सारा बजट, एफर्ट और टाइम चाहिए। इसके बाद ही हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे जी। सिस्टम टेस्ट कैसे करेंगे, हम सैंपल डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी उसमें सैंपल वैल्यूज़ देकर देखेंगे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है प्रॉपरली, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो वो इसलिए करेंगे कि हमने उससे डिटेक्ट करना है रिमूव एरर्स को, यानी अगर किसी किस्म की कोई एरर आती हैं उनकी निशानदेही के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग यूज़ करेंगे। टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, टेस्टिंग परफॉर्म होती है सैम्पल डाटा से, जब आप उसमें इनपुट करके देखेंगे, जब आप उसमें प्रोसेस करके देखेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट चेक करेंगे उसमें, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा आपका सिस्टम सही है या गलत है, और उसमें आपको एरर्स भी नज़र आती हैं, अगर कोई एरर्स आएंगी तो आप उनको ठीक करेंगे। यानी डिटेक्ट करना और रिमूव करना, वो अमल क्या कहलाता है, सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ही आता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम को लगाना, नाफज करना, लागू करना, ठीक है। इंस्टॉलिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल्स,
अब हमने मुकम्मल तौर पे सिस्टम टेस्ट कर लिया है, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने से मुराद अब हमने उसका हार्डवेयर भी लगाना है, सॉफ्टवेयर भी, फाइल्स भी, यानी सारा डाटा लोड कर देना है। वो अमल क्या कहलाता है? सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। उसके तरीके हैं जी चार, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल, फेज और पायलट। ये चार तरीकों से आप सिस्टम को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, नाफस करते हैं, यानी लगाते हैं जी। पहला जी हमारे पास आता है जो डायरेक्ट है, ये सबसे रिस्की प्रॉब्लम, रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होगा कि आपने मुकम्मल तौर पे जो पुराना सिस्टम है उसको रिप्लेस कर देना है नए के साथ। अब अगर किसी वजह से आपका नया सिस्टम क्रैश कर गया तो आपका पुराना भी गया, इसलिए ये रिस्की होता है, इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता ज़्यादातर, ठीक है जी। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे रिस्की होता है, ठीक है। क्या मतलब, क्या कहते हैं, पुराना ख़त्म करके नया लगा देना। अब नया ना चले, प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका पुराना भी गया। दूसरा तरीका जी आता है हमारे पास पैरेलल, ठीक है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है जी हमारे पास, ठीक है। पैरेलल में क्या करेंगे, आप दोनों चलाएंगे, नया भी चलाएंगे, पुराना भी चलाएंगे, ठीक है। यानी कुछ अर्से के लिए, जितनी देर तक उस वक्त तक जब तक आपका नया सिस्टम मुकम्मल तौर पे फंक्शनल नहीं हो जाता, ये सबसे सेफ तरीका है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक आपका नया सिस्टम सही तरह से वर्क नहीं करेगा, आपका पुराना सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जब तक, जब आपका नया सिस्टम रेडी हो जाएगा, बिल्कुल सही काम करने लग जाएगा, आप पुराने को शट कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, ठीक है। तीसरा तरीका आ गया जी पायलट कन्वर्जन। इसमें क्या करें जी, पूरे अदारे का एक हिस्सा नया इस्तेमाल कर ले, बाकी पुराना यूज़ कर ले, ठीक है। यानी मतलब एक जो डिपार्टमेंट है ना, एक जो हिस्सा है उसका, वो नया सिस्टम यूज़ कर ले, बाकी पुराना कर ले, वो क्या कहलाएगा, वो पायलट कहलाएगा, ठीक है जी। यानी एक हिस्सा नया, बाकी सारे पुराना यूज़ कर रहे हैं, वो कहलाएगा पायलट कन्वर्जन, ठीक है। और चौथी चीज़ है जी फेज़ कन्वर्जन। इसमें भी ऐसे होता है जी, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट तक ले जाते हैं, यानी कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट को नया दे देते हैं, किसी कंपोनेंट को पुराना दे देते हैं। ये वाला तरीका जो होता है, इसको हम फेज़ कन्वर्जन या फेज़ इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये चार तरीके होते हैं जी, ठीक है, क्या करने के जी, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। और इनके साथ ही सिस्टम आपका जो है वो आपका, ठीक है, चलाया जाता है, यानी मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है जी। और लास्ट जो हमारे पास सेक्शन है जी, वो आता है जी हमारे पास मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस होता है कि अब हमने देखभाल करनी है, हमारा जो सिस्टम है वो जी अपना जो, ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। यानी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा उसको हमने ठीक करना है, यानी कोई मसले मसाइल हैं वो ठीक करने हैं, इसके अलावा अपडेट करना है जी। अगर किसी वजह से आपका सिस्टम जो है, ठीक है, वो उसमें नई चीज़ ऐड हो रही है, वो आप अपडेट करेंगे। उसके बाद जो वर्किंग है उसको आपने इम्प्रूव करना है डे बाई डे, ठीक है। मेंटेनेंस से मुराद होता है देखभाल, यानी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको ठीक करना। इसके अलावा, ठीक है, अपडेटिंग सिस्टम, न्यू रिक्वायरमेंट्स, यानी अगर यूज़र चाहता है कि उसमें नई चीज़ ऐड करना है तो वो आपने अपडेट करनी है, और साथ में इम्प्रूव भी करना है, यानी आपके जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलनी चाहिए। ये भी तरीका होता है, ठीक है जी, मेंटेनेंस का। ये जी 7 स्टेप थे हमने पढ़े आज SDLC के बारे में। इसे क्या कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये इस तरह मतलब 1 by 1 चलेगा, आपने पहले से 7 तक आना है, लेकिन किसी को स्किप नहीं करना, तरतीब से चलना है और उसी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, फिर आपका पूरा सिस्टम जो होगा वो एक, ठीक है, बिल्कुल सक्सेसफुली बनाया जाएगा, डिज़ाइन होगा, अदरवाइज उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। वो जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका सिस्टम बिल्कुल अच्छा बनेगा, उसमें किसी किस्म की कोई एरर्स नहीं होंगी, अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है जी। ये आपने अच्छे से कर लेना है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।